अगर सफल होना है तो रिस्क उठाना पड़ेगा। तो रिस्क की शुरुआत कर दो इस वीडियो से। मैं जो इस वीडियो में बोलूं उसे ध्यान से सुनो और उसे अपनी लाइफ में उतार लो। दोस्त, आज इस वीडियो में मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताने वाला हूं जिसे सुनकर तुम्हारी लाइफ पूरे तरीके से बदल जाएगी। तुम अपने गोल पर पूरा फोकस कर पाओगी, जो बनना चाहते हो वो बन पाओगे। पता है, आप यूट्यूब पर उन वीडियो को ज्यादा देखना पसंद करते हो जो वीडियो तुम्हारा मनोरंजन करती है, या फिर वो वीडियो जो तुम्हारा सिर्फ टाइम बर्बाद करती है, और तुम उन वीडियो को देखना बहुत कम पसंद करते हो जो तुम्हें तुम्हारे गोल को पाने के लिए मोटिवेट करें। दोस्त, यूट्यूब पर कई लोग मोटिवेशनल वीडियो बना रहे हैं सिर्फ इसी वजह से कि उन लोगों को मोटिवेट कर सकें जो अपने आप को कमजोर समझ रहे हैं, जो अपने आप पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, जो लोग अपने अंदर के टैलेंट को नहीं समझते हैं। दोस्त, हर बंदा चाहता है कि मैं अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करूं। जिनमें से कुछ लोग मेहनत करके सक्सेस हो भी जाते हैं, पर कुछ लोग मेहनत करते ही नहीं है, और कुछ लोग मेहनत करते भी हैं तो उसे आधे में छोड़ देते हैं। वो अपने दिमाग को ये रियलाइज करा देते हैं कि यार, ये काम मेरे बस की नहीं है, मैं इसको नहीं कर सकता। और कुछ लोग अपने काम को ये कहकर टालते रहते हैं कि मेरे पास अभी वक्त है, कर लूंगा, और धीरे धीरे टाइम बीतता रहता है और आ जाता है वो टाइम जिसमें उनके पास पछताने के अलावा कुछ नहीं रह जाता। दोस्त, दुनिया इतनी तरक्की करती जा रही है, लोग छोटे लेवल से बड़े लेवल तक पहुँचते जा रहे हैं, और तुम हो कि अब तक बहानों से गिरे हुए हो। तुम्हारे पास काम ना करने के हजारों बहाने हैं, पर काम करने का एक भी बहाना नहीं है कि यार, शायद मेरी किस्मत में कुछ बड़ा लिखा ही नहीं है, मैं अपनी लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर सकता। अगर तुम अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो दोस्त, तुम्हें इन बहानों से बाहर निकलना होगा, समझना होगा अपने अंदर के टैलेंट को, और निकालना होगा अपने अंदर की निगेटिव थॉट्स को, और तब तक अड़े रहना होगा अपने गोल के लिए जब तक उसे अचीव ना कर लो। मुसीबतें सबके सामने आती हैं। कुछ लोग उन मुसीबतों को अपनी तकदीर समझकर हार कर बैठ जाते हैं, और कुछ लोग उन मुसीबतों से सबक सीखकर आगे बढ़ते हैं, और सिर्फ वही लोग अपना सपना पूरा कर पाते हैं, जो बनना चाहते हैं वो बन पाते हैं। अगर कुछ बड़ा करना है तो रिस्क लेना पड़ेगा, कैसी भी सिचुएशन हो, हर सिचुएशन में आगे बढ़ना पड़ेगा। दोस्त, अगर तुम कुछ बड़ा करने का रिस्क नहीं ले सकते तो ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है। दोस्त, अगर आप सक्सेस होना चाहते हो तो सबसे जरूरी है सेल्फ रेस्पेक्ट, आत्मविश्वास। जब तक आपको खुद पर विश्वास नहीं होगा कि मैं कुछ बड़ा कर सकता हूँ, तब तक तुम रिस्क ले ही नहीं सकते। आपने ये तो सुना ही होगा, बिलीव इन योर सेल्फ, एवरीथिंग इज पॉसिबल। खुद पर विश्वास रखें, सब कुछ मुमकिन है। दोस्त, कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसे तुम नहीं कर सकते हो, किंतु जब तक तुम्हें अपने आप पर विश्वास नहीं होगा। आप किसी भी सक्सेसफुल इंसान को देख लो, हर सक्सेसफुल इंसान के अंदर एक ही चीज कॉमन होती है, वो है सेल्फ रेस्पेक्ट, आत्मविश्वास। उन्हें अपने आप पर विश्वास होता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे लिए कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। उनके सामने चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, वो हर सिचुएशन में आगे बढ़ते रहते हैं। दोस्त, आपने एलोन मस्क के बारे में तो सुना ही होगा। इस बंदे ने जब अपने बिजनेस की शुरुआत की तो ये उसमें कई बार फेल हो गया। इस बंदे के सामने ऐसी सिचुएशन आ गई थी, इसके पास जो भी था वो सब बिजनेस में खत्म हो गया था, सिर्फ इसके घर के सिवाय। और फिर इस बंदे ने अपना घर गिरवी रखकर अपने बिजनेस को चलाया, और फिर इसके बाद इसकी लाइफ ही बदल गई, और आज के टाइम में ये बंदा पूरे वर्ल्ड का सबसे अमीर आदमी है सिर्फ विश्वास की वजह से। और आपने थॉमस एल्वा एडिसन के बारे में भी जरूर सुना होगा। जब ये बल्ब को बना रहे थे तो ये 999 बार फेल हुए। 999 बार फेल होने के बावजूद अपने काम पर डटे रहना कोई आम बात नहीं है। उन्हें अपने आप पर विश्वास था कि एक ना एक दिन मैं कर सकता हूँ, यह होता है आत्मविश्वास। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें सक्सेस होने के बावजूद भी अपने आप पर विश्वास नहीं होता, और फिर ऐसे लोगों की ग्रोथ नहीं होती है, वे जो भी काम करते हैं वो डाउन होता जाता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें आत्मविश्वास पहले से ही होता है। हर इंसान के अंदर आत्मविश्वास होता है, और आपके अंदर भी है। उसे जानो, उसे पहचानो और आगे बढ़ो। रिस्क लेने से कभी मत डरो, बल्कि पूरे आत्मविश्वास के साथ रिस्क लेकर सफलता के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए। आत्मविश्वास के बल पर ही आप सफलता पा सकते हैं। सोचिए जरा, अगर आपको अपने आप पर विश्वास ही नहीं होगा तो आप क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं। और हमेशा अपने दिमाग की नहीं बल्कि अपने दिल की सुनो। मैं मानता हूँ कि दिमाग के फैसले बहुत सोचे समझे होते हैं, पर आप अपने दिमाग की नहीं बल्कि अपने दिल की सुनो, क्योंकि दिल के फैसले आपके इमोशन के साथ जुड़े होते हैं, आपकी फीलिंग के साथ जुड़े होते हैं, जिसमें आपको सफलता मिलनी ही होती है। अगर आप अपने दिमाग की सुनते हैं तो आप हमेशा यही सोचते रहेंगे कि मैं इसको कर भी सकता हूँ या नहीं। और हमेशा छोटे लेवल से शुरुआत करो। अगर आप छोटे लेवल से शुरुआत करते हो तो आपको अपने काम की नॉलेज होती जाएगी, और आप धीरे धीरे कुछ बड़ा कर सकते हो।
और अगर आप डायरेक्ट कुछ बड़ा करने की सोचते हो तो आपका बिजनेस डाउन हो सा जाएगा। आप जो भी काम करोगे उसमें तरक्की नहीं होगी।